सिनोनिम्स की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद, ना ही सिनोनिम्स याद करने की आवश्यकता पड़ेगी इस वीडियो के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार जुड़ू सक्सेस में। दोस्तों, पटवारी एग्जाम के लिए जो इंग्लिश के वीडियो डाल रहे थे, कंटिन्यू डाल रहे थे, कल मैं नहीं डाल पाया था वीडियो, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था मेरा, इसलिए तो मैंने लगभग 7-8 चैप्टर खत्म करवा चुका हूँ। आज सिनोनिम्स का बताने वाला हूँ, सिनोनिम्स के ऐसी चीजें बताने वाला हूँ मैं कि आप सीधे ही देखते से पहचान लोगे, ठीक है। साथ हो सकता है कि वो एनर्जी के साथ मैं आज वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ के कारण, ठीक है, मगर फिर भी बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिससे आप सिनोनिम्स एक बार देखते से पहचान लोगे कि यार कौन सा सिनोनिम्स है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने इसके पहले एंटोनिम्स का, इडियम्स पैसेज का, फिर उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बाद पैराग्राम्बल का हो गया था, फिर उसके बाद नरेशन का हो गया था, उसके बाद वॉइस का हो गया था, ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे आपने एक बार जाकर के आप देख लीजिए, उनको बहुत हेल्प होने वाली है। मैथ्स की ट्रिक्स जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी देख लीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं बिना दूसरी कोई बात करे सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें बताने वाला हूं मैं, और इसके पहले हालांकि मैं सफिक्स का वीडियो बनाने वाला था, मगर सफिक्स का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो है क्या, ठीक है, इसलिए पहले ये वीडियो बनाना है, उसके बाद सफिक्स का अपन देखेंगे, प्लान बनाएंगे कि बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है। तो बहुत सरल चीजें, ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको सिनोनिम्स याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर और भी कुछ आप जो वीडियो वगैरह देखते हैं वो उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसको पहचानते कैसे, सिनोनिम्स को पहचानेंगे कैसे वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा पहचानने का ये होता है कि भाई अपने को कोई भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि अपने कोई भी सिनोनिम्स का वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने को जो वर्ड दिया हुआ अपने को उसकी पहचान करना है, हमको क्या लिखा है, क्या उसका मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, सीधी बात है, ठीक है। हमको जो सिनोनिम्स बताने के लिए कहा है तो जो वर्ड लिखा है उस वर्ड को पहचानना है कि यह वर्ड क्या है। पहचानने का मतलब क्या होता है कि भाई हमको ये बताना है कि यह वर्ड जो है वो क्या है, वो नाउन है क्या, ये वर्ड जो है वो क्या है, वो नाउन है क्या, ये बता सकते हैं क्या, या फिर हो सकता है कि भैया ये वर्ब है क्या, ये क्या है, ये वर्ब है क्या, ठीक है, ये वर्ड जो लिखा है वो क्या नाउन है, क्या ये वर्ब है क्या, या फिर हो सकता है कि ये एडवर्ब हो, ठीक है, या फिर जो वर्ड लिखा वो क्या हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है, या फिर अंत में जो है क्या हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है। ये चार के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी अपने को सिनोनिम्स बनाने के लिए, और एंटोनिम्स में भी काम आएगी ये चीज, है ना। तो सिनोनिम्स बनाने के लिए एक जो वर्ड लिखा है, ये वर्ड की पहचान करना अपने को कि भाई ये वर्ड नाउन है कि वर्ब है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए नाउन क्या होती है, नाउन के बारे में पता होगा, ठीक है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, थोड़ी इंग्लिश पढ़ी है अगर आपने, इतना पता होना चाहिए वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है और एडजेक्टिव क्या होती है, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा 2 मिनट, ठीक है। मगर इतना अगर अपने ज्ञान है कि भाई नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो ये सिनोनिम्स जो है वो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, आपके नंबर सीधे सीधे बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, नाउन अपने को पता ही है कि भैया जो भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है नाउन की, वो भी बता दूंगा। जैसे कि DOMs लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाती है, MENT लगा देते हैं नाउन बन जाती है, नेशन TION लगा देते हैं तो नाउन बन जाती है, तो इसकी पहचान भी होती है, ED लगा दोगे तो वर्ब हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी सबकी पहचान होती है, तो ये भी बता दूंगा मैं कि कैसे पहचानना है, ठीक है। तो नाउन अपने को पता होना चाहिए, नाउन कितने प्रकार की होती है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब पहचानना सीखना है, एडवर्ब क्या होता है, और उसी प्रकार से एडजेक्टिव, ये चीजें अपने को पता होना चाहिए, तब तो अपन बता पाएंगे कि ये जो वर्ड लिखा वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि भाई तुमको जो भी वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड को अगर आप पहचान गए कि ये चारों में से क्या है, तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा कि जो भी वर्ड दिया उसका सिनोनिम्स पूछा है, तो अगर जो वर्ड दिया अगर वो नाउन है तो उसका सिनोनिम्स भी क्या बनेगा, नाउन ही बनेगा। जो वर्ड दिया है अगर वो वर्ब है तो उसका सिनोनिम्स भी क्या बनेगा, वर्ब ही बनेगा। कोई वर्ड अगर अपने को एडवर्ब दिया है तो उसका सिनोनिम्स भी क्या बनेगा, एडवर्ब ही बनेगा।
और कोई वर्ड अगर अपने को एडजेक्टिव दिया हुआ है तो इसका सिनोनिम्स भी हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अपने को जो वर्ड दिया हुआ है वो नाउन दिया हुआ है और उसका अपन सिनोनिम्स बना देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे, नाउन दिया हुआ तो उसका अपन एडवर्ब बना देंगे, कभी नहीं होगा ऐसा जिंदगी में। एक बात को ध्यान रखना, इतनी सी बात समझ में आ गई अपने को तो अपने पास सिनोनिम्स के पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिनोनिम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आया अपने को भाई? जो भी अपने को वर्ड देकर रखा है वो वर्ड अगर सिनोनिम्स पूछ रहा है वो तो नाउन है तो उसका सिनोनिम्स नाउन बनेगा, वर्ब है तो सिनोनिम्स वर्ब बनेगा, एडवर्ब है तो उसका सिनोनिम्स एडवर्ब बनेगा और एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम्स एडजेक्टिव बनेगा, बात खत्म। आसान में ठीक है। अब देखो सफिक्स क्या बोल रहा था मैं, सफिक्स होते क्या है, जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं, देखिए जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि भाई एक शब्द है एडजर्मेंट, ए डी जे ओ यू आर एन एम ई एन टी, एडजर्मेंट एक शब्द दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है और इसका अपने को सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है? इसका अपने को सिनोनिम्स बताना है। अब अपने पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपने पास जिसको बोलते हैं पोस्टपेंड, पोस्टपोन्ड। दूसरा ऑप्शन है अपने पास सस्पेंडिंग, एस यू एस पी ई सी टी आई एन जी। तीसरा ऑप्शन है अपने पास ए डबल सी यू एस आई एन जी एल वाई। और चौथा ऑप्शन है अपने पास आई एन टी ई डबल आर यू पी टी आई ओ एन। ये चार ऑप्शन दिए हुए अपने को। अब इसमें अपने बताना है कि भाई एडजर्मेंट का सिनोनिम्स बताना। ठीक है, तो अब मैं यहां पे बात कर रहा था कि सफिक्स क्या होता है। ठीक है, सफिक्स का थोड़ी सी दो मिनट बात कर लेता हूं। अगर आपकी इच्छा होगी तो अपन एक वीडियो अलग से बना देंगे इसमें, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी आदत ही है कि कम समय में ज्यादा चीज बच्चों को दी जाए तो ही मजा आता है। ठीक है, एस यू डबल एफ आई एक्स सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? तो भाई हिंदी सबने पढ़ी होगी, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं स्वाभाविक बात है, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर हिंदी सबने पढ़ी होगी तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। इंग्लिश में हम इनको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, कि वे सारे वर्ड जो किसी वर्ड के लास्ट में एंड में जुड़ करके उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सफिक्स को पहचानना सीख गए अगर अपन तो बहुत अच्छी बात है। वहां से अपने को समझ में आ जाएगा कि जो वर्ड दिया हुआ वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव। जैसे कि मान लो कि ये वर्ब दी हुई है अपने को, एक वर्ड दिया हुआ है तो भाई इसमें सफिक्स जुड़ा हुआ क्या? मेंट, एमईएनटी। क्या जुड़ा हुआ? एमईएनटी। और एमईएनटी अपने को पता है कि एमईएनटी जो क्या होता है? नाउन होता है। एमईएनटी क्या होता है? नाउन होता है। एमईएनटी हो गया, टी आई ओ एन हो गया, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जो सफिक्स के ऊपर से एक वीडियो बना दूंगा आपको तो क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज पहचानना सीख जाओगे कि कौन से वर्ड से क्या बनता है, नाउन कैसे बनता है, वर्ब कैसे बनता है। जैसे वर्ब, वर्ब के लिए ईडी, ईडी जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, उसमें एक वीडियो में अलग से बना दूंगा सफिक्स। ठीक है, तो अपने को समझ में आया कि एडजर्मेंट भैया क्या लगा हुआ लास्ट में? एमईएनटी लगा हुआ है। एमईएनटी क्या होता है? नाउन होता है उनने का। तो समझ में आया कि भैया ये शब्द जो है वो नाउन है तो इसका सिनोनिम्स भी हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? नाउन ही बनेगा। आसान में अब देखो चार ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन देखते हैं तो भैया इसमें क्या लिखा हुआ है? ईडी लिखा हुआ है। तो ईडी तो भैया वर्ब में आता है तो ये तो कैंसिल हो गया। ईडी क्या में आता है? वर्ब में आता है, कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ? आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी जो है कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि रेयर केसेस जो होते हैं उसकी पहचान बताऊंगा कि वो नाउन में यूज करते हैं और अधिकतर इसको वर्ब में यूज करते हैं तो ये भी क्या हो गया? ये भी वर्ब हो गया, आईएनजी लगा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद अपने को देखने को मिल रहा है कि भैया इसमें एलवाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? एलवाई लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है एलवाई, एलवाई जो लगता है एडवर्ब में लगता है। टाइम लगता है एडवर्ब में लगता है।
तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और टी आई ओ एन कहां में लगता है? नाउन में लगता है। टी आई एन कहां में लगता है? नाउन में लगता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी नाउन था और ये भी नाउन है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बात खत्म। मैंने तुमसे यहां ये नहीं बोला कि तुमको इसका अर्थ पता होना चाहिए, जो शब्द दिया हो उसका कोई मीनिंग पता होना चाहिए। आपको अगर अर्थ पता नहीं है, मीनिंग पता नहीं है, तो भी आप उसका सिनोनिम्स बता सकते हो, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। बता दिया, कैसे बता दिया? ऐसे बता दिया भैया, कितना सरल है। अपने को ये पहचानना है कि ये नाउन है, ठीक है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ये पहचान गए, चारों ऑप्शन देखेंगे कि भैया ये चारों में से अपने पास जो नाउन पूछा है तो नाउन बता, नाउन कौन सा है, समझ में आ गया, नाउन है, मतलब खत्म, खेल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ होशियार बंदे ऐसे भी है, वो बोलेंगे सर इतना सरल थोड़ा ना आएगा, हो सकता है कि चारों नाउन आ जाए, हो सकता है कि ये नाउन देके रखा तो ऑप्शन में भी चारों नाउन आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो मान लिया, तो ये बोल सकते हैं भैया इतना सरल थोड़ा ना हो सकता है, हो सकता है कि भैया आपने ये नाउन दी और ये चारों ऑप्शन भी नाउन में, तो कैसे बताना पड़ेगा? चलो भाई वो भी दूर कर देता हूं मैं अभी, कोई दिक्कत हो ना, ठीक है। सिनोनिम्स की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद, ना ही सिनोनिम्स याद करने की आवश्यकता पड़ेगी इस वीडियो के बाद, सारे डाउट दूर कर दूंगा मैं अभी के अभी, ठीक है। बस इसमें आपको सीखने की आवश्यकता क्या है? सफिक्स, सफिक्स अगर सीख गए कि कौन से सफिक्स को किस में लगाया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और आपको वर्ड दे रहा हूं मैं, कंटेंटमेंट, सी ओ एन टी ई एन टी एम ई एन टी, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट दिया है भैया। तो अब इसके चार ऑप्शन दे देता हूं मैं, चार ऑप्शन में है। पहला है अपने पास ऑडियंस, ए यू डी आई ई एन सी ई। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सेटिस्फेक्शन, एस ए टी आई एस एफ ए सी टी आई ओ एन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्नोफॉल, एस एन ओ डब्ल्यू लाइक एफ एल ए के ई, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास कमिटी, सी ओ एम आई डबल टी डबल ई। चार ऑप्शन हो गए अपने पास। अब भैया ये बोल रहे थे आपकी, भैया ये नाउन है तो नाउन देखना अपने को। अब यहाँ ऑप्शन में चारों नाउन आ गए अपने पास, अब कैसे पहचानेंगे हम किसका सही आंसर क्या, इसका सही सिनोनिम्स क्या? बहुत आसान है, नाउन आपने पढ़ी है अगर तो इसलिए बहुत आसान, अगर नाउन पढ़ी नहीं है आपने तो कोई मतलब, नाउन तो सबने पढ़ी होगी भाई, ठीक है। अब इसमें देखा लास्ट में दिख रहा अपने को एम ई एन टी, ठीक है, नाउन है। बहुत डिस्टर्ब होना पड़ रहा है आज, इतने फोन आ रहे हैं, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं, कंटेंटमेंट दिया हुआ है, तो कंटेंटमेंट क्या है? नाउन है, ठीक है। आपने वही समझ में आया कि कंटेंटमेंट क्या है? नाउन है। कैसे पहचान गया अपन? एम ई एन टी लगा हुआ, एम ई एन टी मतलब क्या हो गया? ये नाउन है, ठीक है। मगर अब अपने को ये पता होना चाहिए कि कंटेंटमेंट जो है वो कौन से नाउन है, क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन अपने पास नाउन है, ठीक है, चारों ऑप्शन अपने पास नाउन है। अब इसकी पहचान क्या होती है भैया? कि कंटेंटमेंट लिखा आपने का, अब ये अगर कलेक्टिव नाउन है तो इसका सिनोनिम्स भी क्या बनेगा? कलेक्टिव नाउन बनेगा। अगर ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसका सिनोनिम्स भी क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है चारों? जो वर्ड दिया हुआ है, जो नाउन है, वही की वही जो है वो क्या बनेगा? उसका सिनोनिम्स भी बनेगा, ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। तो अपने को पता है कंटेंटमेंट जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ए बी एस टी आर ए सी टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब अपने को पता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कंटेंटमेंट, तो इसके चारों ऑप्शन में अपने को देखना है कि चारों ऑप्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है। अगर वो अपन पहचान गए तो अपना आंसर सही है। तो देखो ऑडियंस, सबको पता है कि ऑडियंस जो है वो कौन सी नाउन है? ऑडियंस जो है कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन कौन सी नाउन है? हाँ भैया ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो अब अपने को ये पहचान में आ गया कि भाई ये नाउन है, तो अपने को चार ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, ये सीधे सीधे आंसर लगा देंगे। फिर भी देख लो, स्नोफॉल जो है वो कौन सी नाउन है? ये कंपाउंड नाउन है। कौन सी नाउन बोलते हैं इसको? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। और कमिटी जो है वो कौन सी नाउन है? तो ये कलेक्टिव नाउन है, बात करता हूं। ये कलेक्टिव नाउन हो गई, काट दिया, ये कंपाउंड नाउन हो गई, ये भी काट दिया, और ये कलेक्टिव नाउन हो गई, ये भी काट दिया। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए थी, ये एब्स्ट्रैक्ट है, आंसर सीधे सीधे ये आ गया, बात खत्म। आगे समझ कि भाई सिनोनिम्स के आंसर देना कैसे है, सिनोनिम्स पहचानना कैसे है, ठीक है। अगर आप इतना सीख गए, और दूसरी चीज क्या बताया मैंने, अपने सफिक्स समझ में आ गया आपको, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपको नाउन नहीं पता,
आपको नहीं पता सफिक्स कैसे पहचानते हैं तो फिर आप सिनोनिम्स का आंसर दे ही नहीं सकते। अब आपको खुद जानते हो कि हजारों सिनोनिम्स या फिर 100-200 सिनोनिम्स याद करने से अच्छा जो है वो 10-20 सफिक्स याद कर लोगे, नाउन पढ़ लोगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इनका आंसर देना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी मिलते रहेंगी, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक मिलते रहेंगे। और जो एक व्यापम फाउंडेशन नाम से हमने चैनल बनाई है जिसमें हम व्यापम के सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको ट्रिक के माध्यम से फ्री देने वाले हैं, तो जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं वहां पे आपको। जय हिंद, जय भारत।